Hi students, I most welcome you in second video of this chapter. Today we will translate further of this chapter. Paris was about 150 kilometers in such strong clouds. क्या होता है कि वो जो अपना एरोप्लेन पेरिस से इंग्लैंड की तरफ उड़ा के ले जा रहा था तो ये पेरिस से 150 किलोमीटर आगे निकल जाता है. लुक लाइक माउंटेन्स. अब क्या होता है, अचानक तूफान आ जाता है, बहुत घने बादल होते हैं और बादल कैसे दिखाई दे रहे थे, पर्वत की तरह दिखाई दे रहे, माउंटेन्स पहाड़ की तरह. डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल अराउंड देम टू नॉर्थ. तो क्या होता है कि उसके जो एरोप्लेन की फ्यूल टैंक होता है उसमें इतना फ्यूल नहीं होता है कि वो उन बादलों को क्रॉस करके उनकी चार तो उसकी तरफ मुड़ के या ऊपर से होके जा सके. आई विल टेक रिस्क फ्लू डकोटा स्ट्रेट इन टू स्टॉर्म. तो उसमें क्या कहता है कि अब मैं क्या करूं इसमें, तो क्या वो डिसाइड करता है कि मैं एरोप्लेन को स्टॉर्म से होकर ले जाऊंगा. इसके लिए वो खतरा उठा लेता है. इनसाइड द क्लाउड सडनली एवरीथिंग बिकेम ब्लैक. जब वो जैसे ही उसका एरोप्लेन स्टॉर्म में एंट्री करता है तो उसे कुछ भी दिखाई देने नहीं लगता है और सारा कुछ काला हो जाता है. एरोप्लेन जंप एंड ट्विस्टेड इनटू द एयर एंड लुक्ड कंपास. और जो एरोप्लेन होता है वो हवा में घूमने लगता है और उसके सारे कंपास भी बंद हो जाते हैं. ऑल इंस्ट्रूमेंट्स वर डेड एंड रेडियो कंपास नो आंसर. और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे, रेडियो कंपास चार्ट्स, सारे डेड हो जाते हैं और कोई भी उनसे आंसर नहीं मिलता. देन आई सॉ अनदर एरोप्लेन हैड नो लाइट्स ऑन इट विंग्स. तब क्या होता है, अचानक उस तूफान में इसको एक दूसरा एरोप्लेन दिखाई देता है, द ब्लैक एरोप्लेन, ये उसी का नाम है. आई कुड सी फेस वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन. जो दूसरा एरोप्लेन जो ब्लैक एरोप्लेन नाम से उड़ रहा था वो उसके उस पायलट को देख सकता था, उसका फेस उसे नजर आ रहा था और यह उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाता है. द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इट विल बी कंटिन्यू in the next video.